नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे चमत्कारी मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में शायद ही आप लोगों ने पहले कभी सुना होगा। यह मंदिर भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह भगवान का मंदिर है। इस मंदिर में भगवान नरसिंह के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु का हर एक अवतार बहुत ही खास है। उनके हर एक अवतार के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर रहता है। कहते हैं जब जब धर्म पर अधर्म भारी पड़ता है तब तब भगवान विष्णु किसी ना किसी अवतार में धरती पर आते हैं और अधर्म करने वाले अधर्मियों का नाश करते हैं। और आज मैं इस वीडियो में उन्हीं के नरसिंह अवतार के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह अवतार उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए लिया था। तो पूरी जानकारी के लिए अंत तक देखते रहें इस वीडियो को। यह सिंहाचलम मंदिर जो कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सिंहाचलम पर्वत पर स्थापित है। सिंहाचलम मंदिर को भगवान नरसिंह का घर भी कहा जाता है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस मंदिर में भगवान नरसिंह माँ लक्ष्मी के साथ विराजमान है और यहाँ उनकी प्रतिमा पर चंदन का लेप भी लगाया जाता है और जो कि साल में एक बार हटाया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन इसको हटाया जाता है। केवल उसी दिन लेप को हटाने के कारण भगवान नरसिंह के भक्तों को दर्शन हो पाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना भक्त प्रहलाद ने की थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब हिरण्यकश्यप का वध भगवान नरसिंह ने किया था उसके बाद ही भक्त प्रहलाद ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। बताया जाता है कि इस समय के साथ वह मंदिर धरती की कोख में समा गया जिसका पुनः निर्माण पूर्वा नामक राजा ने करवाया। इस बात का उल्लेख सिंहाचलम देवस्थान के आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। कहा जाता है कि राजा पूर्वा ने ही धरती में समाहित हुए भगवान नरसिंह की प्रतिमा को बाहर निकाल कर उसे फिर से स्थापित कर चंदन के लेप से ढक दिया था। अक्षय तृतीया के दिन यहाँ बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन भगवान से चंदन का लेप हटाया जाता है और भगवान अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। बता दें कि सुबह 4 बजे से मंदिर में मंगल आरती के साथ दर्शन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस मंदिर में लगभग साल भर भक्तों का आना जाना लगा रहता है क्योंकि चंदन के लेप से ढकी रहती है मूर्ति। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिरण्यकश्यप के वध के वक्त भगवान नरसिंह बहुत क्रोधित में थे। हिरण्यकश्यप के वध के बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था जिस कारण उनका पूरा शरीर गुस्से से जलने लगा। तब उन्हें ठंडक पहुँचाने के लिए चंदन का लेप लगाया गया जिससे उनके गुस्से में कमी आई। तब से ही भगवान नरसिंह की प्रतिमा को चंदन के लेप में ही रखा जाने लगा। केवल एक दिन के लिए अक्षय तृतीया पर यह लेप हटाया जाता है। तो दोस्तों, यह थी भगवान नरसिंह के सिंहाचलम मंदिर की जानकारी। ऐसी ही जानकारी और अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल SK कृष्णा को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।